मगर आज ही धुलवाई थी मैंने पूरी बाइक और आज ही ऑफ रोड कर दिया इसका पूरा तगड़ा करके। प्रॉपर पॉलिश हो चुकी है और कितनी मस्त लग रही है। यूट्यूब में डलेगी वीडियो है। हाँ यूट्यूब में डलेगी। अरे कहाँ से आ रहा है आए, ये क्या हो रहा? कितना मस्त झरना बह रहा है सामने मेरे। लो जी आगे मसूरी से भसूड़ी में खराब हो जाएगा भाई। माँ की अम्मा बहन पे आ जाओ। तो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आप सब कैसे, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हो गई है बारिश और बारिश के बाद धूप आ चुकी है तगड़ी वाली। और आज मेरी जो गाड़ी है वो पूरी गाड़ी 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 लोग कहते हैं, गाड़ी के बारे में बोलता रहता है क्या करूँ ऐसा प्यार है गाड़ी से। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी धुलवाने, क्योंकि एक्चुअली क्या मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये वाली नहीं देख सकते, इतनी बुरे हाल हो चुके हैं, देख रहे हो। चलो अभी चलते हैं, मैं भोपुर जा रहा हूँ यहाँ से, इसको फॉर्म वॉश करा के फिर वहाँ से निकलेंगे। भाई हम आ चुके हैं आज भोपुर में और पहली बार बाइक में फॉर्म वॉश हो रही है। तो भाई देख सकते हो आप फॉर्म वॉश हो चुकी है मेरी सही से। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी बिल्कुल धुल चुकी है, पूरी प्रॉपर पॉलिश हो चुकी है और कितनी मस्त लग रही है। अलग ही कलर लग रहा है, देख रहे हो कितनी चमक रही है इतने टाइम बाद। और थैंक यू सो मच भैया का, भैया ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो गाइस मुझे गोलू बुला रहा था, मेरा भाई है वो अगर लड़का, वो मुझे बुला रहा था देहरादून और मैं आज खाली हूँ। देखते हैं क्या मस्ती करते हैं उधर, अभी कहीं घूमने फिरने जाते हैं कोई अच्छी जगह पर, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और अभी मैंने देखा कि मेरा जो फ्यूल लेवल है वो बहुत कम है, पहले हम इसमें फ्यूल अप करेंगे पूरा। नाउ वी हैव रीच्ड द पुलिस स्टेशन। नहीं यार डर गया बच्चा, डर गया था भाई। नाउ वी हैव रीच द पेट्रोल पंप स्टेशन। भैया फुल कर देना। अरे गरीब यार कितना पावर डलाए थे। हाँ यूट्यूब में डलेगी, कर लिया तुम्हारे को कह दो, मैंने देख लेना भरना जाएगा। मेरा विशाल कंडारी। तो गैस अपना यहाँ पे 950 के आसपास का तेल भर चुका है। हाय हाय हाय। अरे कहाँ से आ रहा है? वही बच्चों की स्कूल बस लेके बेवकूफ आदमी। हमारे देश में आज़ादी है, कहीं से भी आ जाओ। चलो बाइक वाइक वाला आ रहा हो साइड से तो मानते हैं, इतनी बड़ी बस लेके आ रहा हो वो भी बच्चों से भरी हुई, जो स्कूल के बच्चे हैं बताओ कितना गलत है। तो बच्चों के रिएक्शन मिल गए, दिल बन गया। धूप इतनी तेज़ पड़ रही ना मुँह पे यार, ऊपर से मैंने इसका टिंटेड ग्लास उतार रखा है, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट वाला लगा रखा है। लग रहा है कि यार काश टिंटेड वाला होता तो आंखों में इतना जोर नहीं पड़ रहा होता। अभी मैं जोड़ रहा हूँ, पैसे जोड़ रहा हूँ 10-12 साल से एक हेलमेट लेने के लिए और मेरी यूट्यूब इनकम भी नहीं आ पा रही है, $50 पर अटक गई है। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने भाई की इस वीडियो को कम से कम 5K, मैं नहीं कहता 50K, फिर 5K तक पहुँचा दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गरीब की पेमेंट आ जाएगी, गरीब हेलमेट ले लेगा। तो गाइस वी हैव एंटर्ड द देहरादून। हैं तू तो गया बेटे। आए ये क्या हो रहा, इसे कहाँ ले जा रहे? तू तो गया बेटे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मुझे 5 महीने हो गए कि मैंने नॉन वेज को टच भी नहीं करा। नॉन वेज की मैं मीनिंग है नॉन वेज मतलब सब कुछ, अंडे से लेके सब कुछ टच नहीं करा मैंने, सब छोड़ दिया है भगवान राम की वजह से, मतलब भगवान राम को मान के सब छोड़ दिया मैंने। आए ये क्या है? वुमेन तो गाइस मिल चुका है गोलू, ये चल रहा है सामने और अभी ये गाड़ी खड़ी करेगा कहीं पे, फिर हम एक ही बाइक पे रहेंगे इस पे। तो गाइस काफी देर के बाद हम पहुंच चुके हैं किमाड़ी। ओ भाई साहब अभी कमानिया था ना कबाड़ी। तो गाइस देख सकते हो दोनों साइड पेड़ ही पेड़ है और हम दोनों चल रहे हैं मस्त घूमते घूमते, और ऐसे नज़ारे देखने के लिए तो लोग दिल्ली से देहरादून आते हैं। लैंड स्लाइड जोन है पूरा ये, ये देखो पूरी रेलिंग वेलिंग सब निकल चुकी है। तो गाइस देखो हम कहाँ आ चुके हैं यार, कितनी हाइट पे अभी देख रहे हो, कहाँ नीचे से आए हम घूमते घूमते, और देखो अभी पूरे पहाड़ पे मस्त जगह पे, और अभी वहाँ पे झरना बहता था पहले बट अभी वो बहता नहीं है। एक बार मैं पहले भी आया था इस जगह पे और देखो तो यहाँ पे सनसेट देखने में कितना मज़ा आएगा। वाह भाई नीचे कितना गहरा है देख रहे हो, पैर फिसला तो बस अब फिसला, तो फिर सीधा देहरादून अस्थियों के साथ।
तो गाइस यहाँ पे अपनी बाइक देखो आज पूरी चमक रही है मस्त तरीके से, क्या मतलब गजब मज़ा आ रहा है देखने में। तो चलो कुछ फोटो वोटो शूट करते हैं, एक आध फोटो खींचते हैं जो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। ठंड आंटी जा रही, ओ भाई पहाड़ देख रहे हो गाइस कितने बड़े बड़े पहाड़, बड़े 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 बड़े। यहाँ पे झरना बहता था, देखो बह रहा है, देखो झरना, मैंने क्या कहा था, झरना बह रहा था ना। तो गाइस देख सकते हो कितना मस्त झरना बह रहा है सामने मेरे, और ये पूरा पुल है देखो, और ये पूरे पहाड़ है यहाँ पे मस्त। यहाँ पे एक बार मैं पहले भी आया था, बहुत पहले, अमन दोस्त था मेरा उसके साथ में आया था। नीचे देख सकते हो कितना प्लेन है पूरा, नीचे ये पानी पूरा बह के नीचे से जा रहा। और आज यहाँ पे भीड़ नहीं है, वैसे यहाँ पे भीड़ रहती थी बहुत ज़्यादा, फोटो वोटो खिंचाने के लोग आते थे। यहाँ पे गोलू चला रहा है मेरी KTM, देखते हैं चला पाता नहीं पाता, चला गया, चला तो ली। तो गाइस आप जगह देख सकते हो काफ़ी ठंडा यार, क्योंकि ना ये साइड ना टाइम क्या है, सुबह से अपोजिट साइड है, और इतना ठंडा लग रहा है ना वो यहाँ पे भाई साहब खतरनाक। वो फर्क है ना, मैं तो देखो मेरा काम सही है ना। तो गाइस बेहतरीन सी धूप आ चुकी है देखो, इतनी देर बाद ना यार बड़ी मुश्किल से हम पहाड़ के इस साइड आ चुके हैं। अब पहले पहाड़ के ना दूसरी साइड थे तो इतनी धूप नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और इतनी ठंड लग रही थी। अब देखो कितना प्यारा मौसम हो चुका है, और ये देख रहे हो चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी है, और यहाँ से देख सकते हो पूरा सूरज दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है धूप में आगे ना, बता नहीं सकता मैं आपको क्या मज़ा आ रहा है। मगर आज ही दिलवाई थी मैंने पूरी बाइक, और आज ही ऑफ रोड कर दिया इसका पूरा तगड़ा करके, देख रहे हो ऐसी जगह पर आ चुके हैं और कोई नहीं यहाँ पे। हेलो जी, आगे मसूरी से भसूड़ी में खराब हो जाएगा, मैं देख रहे हो फंसा रखे पूरे जाम में तगड़े करके।